आज हम बेल्टेड सलवार की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। बेल्टेड सलवार का मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 38 इंच, हिप 36 इंच, बॉटम 14 इंच, फुल लंबाई 38 इंच, हिप 36 इंच, मोहरी 14 इंच। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करने के लिए लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार है, फुल लेंथ प्लस सीव अलाउंस प्लस नेपर टर्निंग, फुल लंबाई सीव अलाउंस मतलब सिलाई हक और नेपर टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 38 इंच है, 38 इंच प्लस सीव अलाउंस हम 1.5 इंच लेंगे, प्लस नेपर टर्निंग भी हम 1.5 इंच, 38 प्लस 1.5 प्लस 1.5। फुल लेंथ हमारी 38 इंच जो हमें तैयार करनी है वो है, सीम अलाउंस हमने इसमें 1.5 इंच रखा, 1.5 इंच ही हमने इसमें नेपर टर्निंग रखी, टोटल हमारा हुआ 41 इंच, 41 इंच। बेल्टेड सलवार की ड्राफ्टिंग करते वक्त जो हमें फॉर्मेट प्रयोग करना वो इस प्रकार है, ये हमारी जो 41 इंच यानी 41 इंच जो हमें लेंथ मिली है वो हम कट करेंगे, तैयार होके हमारी 38 इंच ही हमें मिलेगी। 41 इंच में माइनस बेल्ट करेंगे, माइनस बेल्ट जो भी आप अपने रखना चाहते हो माइनस बेल्ट करेंगे, आप फैशन के अनुसार या जैसा आप चाहते हैं कम ज्यादा जो भी आप बेल्ट करना चाहते हो उसमें माइनस करते हैं। हमने यहाँ पे माइनस किया, जो हमारी बेल्ट निकल के आएगी वही हम फुल लेंथ में से माइनस करेंगे। अभी मैं आगे जाके आपको फॉर्मेट बताऊंगी, फॉर्मेट के अनुसार जितने भी हमारी बेल्ट की लेंथ निकल के आएगी हम इसमें से वो माइनस करेंगे, टोटल लेंथ हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, लेंथ हमारी है 38 इंच। ये हमेशा ध्यान रखना है हमें ड्राफ्टिंग करते वक्त जो हमारी लेंथ है वो हम लेंथ लेते हैं, लेंथ हमारी 38 इंच है। जब हम कटिंग करेंगे स्टिच करने के लिए सलवार को तो उसमें हम सीम अलाउंस और नेपर टर्निंग सब ऐड करेंगे, वो सब ऐड करने के बाद हमारा 41 इंच लेंथ होगी। ये सबसे पहले हमने लेंथ ली, लेंथ लेने के बाद यहां से डाउन आना है हमें बेल्ट के लिए कि बेल्ट हमने कितनी लेनी है। बेल्ट की जो लेंथ है, बेल्ट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है, बेल्ट लेंथ निकालने का फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इंच। हिप को जब 4 से भाग करेंगे तो 9 इंच में 2 इंच माइनस करेंगे इक्वल टू 7 इंच। बेल्ट की लेंथ निकालने का फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इंच, हिप को 4 से भाग करना है 9 इंच, माइनस 9 इंच में 2 इंच करना है तो 7 इंच। ये हमारी बेल्ट की लेंथ निकल के आई, यहां से डाउन आना है हमें 7 इंच पे, 7 इंच पे डाउन आए, ये निशान लगाया 7 इंच नीचे आए और ये हमने निशान लगा लिया। अब हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है, चौड़ाई निकालने का जो मेथड है बेल्ट विड्थ, बेल्ट की चौड़ाई, बेल्ट की चौड़ाई निकालने का जो फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। हिप को 4 से भाग करेंगे उसमें जमा 2 करेंगे, जब हिप को 4 से डिवाइड करेंगे
तो 9 इंच, 2 इंच इसमें प्लस करेंगे इज इक्वल टू 11 इंच। बेल्ट की चौड़ाई निकालने के लिए हिप को 4 से भाग करेंगे, उसमें जमा करेंगे 2 इंच, 4 से भाग करने पे हमें 9 इंच मिला, प्लस उसमें 2 इंच किया तो 11 इंच हमारी बेल्ट की चौड़ाई निकल कर आई। यहां से हम 11 इंच आगे जाएंगे, ये हमने जो लिया था 7 इंच, यहां पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। बेल्ट की लंबाई और 11 इंच चौड़ाई ये हमने निशान लगाया। इसके बाद हम पार्ट की चौड़ाई लेंगे। पार्ट की चौड़ाई रखने के लिए जो फॉर्मेट है विड्थ ऑफ पार्ट, विड्थ ऑफ पार्ट, विड्थ ऑफ पार्ट, पार्ट की चौड़ाई, पार्ट की चौड़ाई रखने का जो फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 6, हिप डिवाइड बाय 6, हिप को 6 से भाग करने पे हमारी हिप है 36, 36 को 6 से भाग करेंगे तो 6 इंच। पार्ट की जो चौड़ाई निकल के आई वो हमारी आई 6 इंच। जो हमारी लेंथ लाइन है उससे आगे आएंगे अंदर की तरफ, 6 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे, 6 इंच पे ही हम नीचे निशान लगाएंगे। ये अंदर की तरफ 6 इंच पे आए और यहां पे अंदर 6 इंच पे आए और इस 6 इंच को हम मिला देंगे। ये आपने ध्यान रखना है इस फॉर्मेट के हिसाब से आप हर किसी के मेजरमेंट का कम ज्यादा किसी भी नाप की सलवार इस फॉर्मेट के अनुसार आप तैयार कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको यही यूज करना है, आपको जहां जितना लेना है आपकी अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट निकल के आएगा। ये पार्ट की जो चौड़ाई हमने ली यहां से यहां तक हिप डिवाइड बाय 6, हिप को 6 से भाग किया तो 6 मिला। उसके बाद हमें कली की चौड़ाई लेनी है। कली की चौड़ाई लेने के लिए विड्थ ऑफ कली, विड्थ ऑफ कली की चौड़ाई डिपेंड करते हैं कपड़े के अर्ज पे या हम कितनी हल्की भारी जो बनाना चाहते हैं उस पर। तो हम यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लॉथ का हाफ करेंगे, जितना हमारे कपड़े का अर्ज है उसका आधा। कपड़े का अर्ज भी डिफरेंट साइज में मिलता है, जितना भी हम भारी बनाना चाहते हैं हल्का बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम कली की चौड़ाई लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम विड्थ ऑफ क्लोथ का हाफ ले रहे हैं, जितने हमारे कपड़े का अर्ज है उसका आधा, जितना भी होगा। 36 होगा तो 18 हो गया डबल करके, 40 हुआ तो 20 हो गया, जितना भी अर्ज होगा उतना ही हम आगे जाएंगे कली की चौड़ाई के लिए। अब बात आती है कि क्रोच एरिया, क्रोच एरिया हम किस प्रकार निकालते हैं। क्रोच एरिया यानी कि आसन लाइन, क्रोच, क्रोच लाइन निकालने का जो फॉर्मेट है हिप को डिवाइड करना है 3 से, हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच। हिप हमारी 36 है, 36 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिला 12 इंच, 36 को 3 से भाग करने पर 12 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 14 इंच। 36 को 3 से भाग किया तो 12 इंच, 12 इंच में प्लस किया 2 बराबर 14 इंच। हमारी जो क्रोच लाइन निकल के आई वो आई हमारी 14 इंच।
अब क्या करना है, हम यहाँ पे बेल्ट माइनस करेंगे क्रॉस लाइन में से, क्रॉस लाइन माइनस बेल्ट लाइन। आसन की जो लाइन मिली हमें, आसन की लाइन मिली हमें 14 इंच, 14 इंच में से हम बेल्ट की लेंथ माइनस करेंगे। बेल्ट हमने यहाँ पे ली थी हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 2 यानी 7 इंच। ये जो हमें मिला क्रोच एरिया का, इसमें से हमने माइनस करना बेल्ट लेंथ 14 इंच माइनस 7 इंच बराबर 7 इंच, 14 इंच माइनस 7 इंच इज इक्वल टू 7 इंच। तो ये यहाँ पे जो हमें 7 इंच मिला है, यहाँ से कली के लिए आप 7 इंच नीचे आएंगे, ये 7 इंच आप नीचे आए। ये आने के बाद हमें नीचे अपनी जो हमारी बॉटम है, हमारी बॉटम हमें मिली हुई है 14 इंच। बॉटम के लिए हम करेंगे बॉटम का हाफ, 14 का हाफ किया तो 7 इंच, नीचे से हमें 7 इंच करना है। तो हम यहाँ पे आगे कली का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, यहां से यहां तक की जो हमारी रेखा है वो हमारी है मोहरी का हाफ, मोहरी हमारी 14 इंच है, 14 इंच का हाफ किया तो 7 इंच, यहां से यहां तक हमने 7 इंच लिया। ये जो हमारा क्रोच लाइन है, यहां से इसकी शेप देते हुए बॉटम लाइन को मिला देना है। क्रोच लाइन को बॉटम लाइन से इस तरीके से शेप देकर मिला देना है। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें कहाँ कितना लिया, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 11 इंच, हिप डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 इंच, विड्थ ऑफ क्लोथ का हाफ। यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक बॉटम का हाफ करके 7 इंच आया, ये हमने 7 इंच लिया। जो पार्ट की चौड़ाई है वो हमारी हिप डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ से यहाँ तक हमारी जो बेल्ट की लेंथ आई वो हमारी लेंथ थी हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इंच इज इक्वल टू 7 इंच। यहाँ पे हमने जब क्रोच लाइन निकाली थी तो हमारा 14 आया था, 14 में 7 हमारी लेंथ यहाँ आ गई है और 7 हमारी यहाँ पे आई है, ये कली का हमारा यहाँ पे 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक आपकी फुल लेंथ, फुल लेंथ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो स्टिच करेंगे, स्टिच करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो जब हमने यहाँ पे बेल्ट की जो लेंथ निकाली थी वो हमारी 7 इंच आई थी, 41 में से जब हम 7 इंच माइनस करेंगे तो हमारी जो पार्ट और कली की जो लेंथ आएगी निकल कर वो 34 इंच निकल कर आएगी। ये हमारी बेल्टेड सलवार की ड्राफ्टिंग बन के कंप्लीट हुई।